नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पलवल के गांव नगला भीखू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी मौके पर पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक टेकचंद शर्मा भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के विकास को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के गांव दुदोला में लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से श्री कर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार परीक्षा प्रदान की जाएगी। युवाओं के हाथ में हुनर आने के बाद उन्हें नौकरी में अवसर प्रदान होगा। उद्योग मंत्री ने गांव नगला भीखू में कंप्यूटर लैब व ओपन जिम स्कूल के साइंटिफिक लैब के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने स्कूल की चार दीवारी बास्केटबॉल ग्राउंड और राजकीय माध्यमिक विद्यालय को 12वीं तक अपग्रेड करवाने तथा मॉडर्न स्कूल बनाने का आश्वासन दिया। ये राजेंद्र काम कर रहा है, ऐसे स्कूल हमने फरीदाबाद के अंदर कई बनाए हैं, चाहे ओल्ड फरीदाबाद का स्कूल हो, चाहे इंदिरा नगर का स्कूल हो, तो उन स्कूलों को भी देख लेना, इसमें जो कमी है वो भी पूरी करा देना और उससे भी बेटर कुछ हो वो करवा लेना। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए राजेंद्र भाई ने स्कूल के लिए यहाँ पर बुलाया और इसे कई सारे डिमांड रखी। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ एक ओपन जिम की बात और एक कंप्यूटर लैब और एक दूसरी जो साइंटिफिक लैब है उसके लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन करा दिए थे और ओपन जिम भिजवा दिया था। पंडित जी ओपन जिम भी लग गया है और दोनों लैब भी बनकर तैयार हो गए स्कूल के। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।